नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी। ये 14वां पाठ है। इसमें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो माध्य होता है, ये माध्य का सूत्र क्या होता है। तो माध्य का जो सूत्र होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा ई एफ होता है। ये प्रत्यक्ष विधि में होता है। सिग्मा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ क्या होता है? बारंबारता होता है। एक्स जो होता है पद होता है। दूसरी जो विधि होती है वह होती है कल्पित विधि। कल्पित विधि, तो कल्पित विधि का जो सूत्र होता है वो भी समांतर माध्य का ही सूत्र होता है। समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ एफ यू बटा सिग्मा एफ होता है। ए प्लस सिग्मा, यहाँ पर यू ना होकर के डी होता है यहाँ पर। तो कल्पित विधि का जो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। इसके बाद जो तीसरा सूत्र होता है इसका समांतर माध्य का, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर वह होता है ए प्लस, यहाँ पर हम स्मॉल ना यूज करके कैपिटल यूज कर लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच होता है। ये हमारा सूत्र होता है पग विचलन। ये जो तीनों सूत्र हैं ये समांतर माध्य के ही सूत्र हैं। पहला जो सूत्र होता है कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा समांतर माध्य बराबर होगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। कल्पित विधि का जो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ होता है। और जो तीसरा विधि होता है पग विचलन विधि, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच होता है। प्रश्न नंबर एक, इसमें देखेंगे सांख्यिकी का जो पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। हमको सारणी में दिया गया है जो पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इसका जो घरों की संख्या है 0 से 2 घर, जो पौधा 2 लगाए हैं 0 से 2 तक, वह घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 तक जो लगाए हैं घरों की संख्या 2 है। माने ये बारंबारता को प्रदर्शित करता है, ये पद को प्रदर्शित करता है। ये जो वर्ग अंतराल में दिया गया है इसे हम क्या करेंगे, पहले पद के रूप में बदल देंगे। तो पद के रूप में जब बदलेंगे इसे तो x बराबर क्या होगा, 0 में पहले हम 2 जोड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे, ये जो होता है निम्न वैल्यू है, ये उच्च वैल्यू है। तो 0 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर हम पद में क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। 2 और 4 दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 का आधा कितना होगा तो 3 हो जाएगा। 6 और 4 दोनों जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 6 14 आधा करेंगे तो 7 आएगा। 10 8 18 आधा करेंगे तो 9 आएगा। 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 11 आधा कर देंगे इसका। अब 12 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। और 26 में आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 0 में 2 जोड़े थे तो कितना आया था, 1। इसका मतलब 0 से 1 बढ़ जाएंगे, 2 है 2 से 1 बढ़ जाएंगे, 3। 4 है तो बढ़ जाएंगे, 5।
छह है एक बढ़ जाएंगे, सात आठ बढ़ेंगे नौ, दस है तो एक बढ़ जाएंगे ग्यारह, बारह है तो एक बढ़ जाएंगे तेरह। माने माध्य निकालेंगे, एक संख्या का यदि हम निकाल लेते हैं तो उसी तरीके से हम एक एक संख्या क्या करते हैं इसमें बढ़ा देंगे। तो ये यफ है, ये यक्ष है, इसका हम क्या करेंगे पहले गुणा करा देंगे, यफ यक्ष। तो गुणा करेंगे, एक गुणे एक करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, तीन दूना छः आएगा और पाँच एकम पाँच आएगा और सात पचे पैंतीस आ जाएगा और नौ छः चौवन आ जाएगा, इसके साथ साथ ग्यारह दूना बाईस आ जाएगा और तेरह तिया उनतालीस आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पद का पूरा योग कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का आशय ये होता है योग, जितने भी पद दिए गए हैं इसका योग। तो हम सिग्मा यफ यक्ष निकाल लेते हैं, सिग्मा यफ यक्ष का आशय ये हुआ, सिग्मा माने योग, यफ यक्ष माने यफ गुणे यक्ष, यफ गुणे यक्ष जो किया गया है उसका हम क्या करेंगे योग निकाल लेंगे। तो आइए इसे जोड़ लेते हैं, छः एक सात, सात पाँच बारह, बारह में यदि बारह में हम कितना जोड़ दें पैंतीस जोड़ दें, तो यहाँ से हम ऐसे एक एक संख्या जोड़ लेते हैं, एक छः एक सात, सात पाँच बारह, बारह और पाँच, बारह पाँच सत्रह, सत्रह और चार इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तेईस और नौ, नौ तीन बारह, तेईस और नौ, नौ तीन बारह माने बत्तीस, तीन अभी बचा है तीन लगा लेंगे यहाँ पर, तीन पाँच तीन आठ, आठ दो दस, दस तीन तेरह, तेरह और तीन तो तेरह और तीन सोलह, तो योग कितना आ गया एक सौ बासठ आ गया। यहाँ पर हम घरों की संख्या का भी योग कर लेंगे, वैसे तो घरों की संख्या हमको दिया है कितना बीस, फिर भी हम जोड़ लेते हैं इसे सिग्मा यफ, इसे यदि हम जोड़ेंगे तो दो एक तीन, तीन एक चार, चार और पाँच नौ, नौ छः पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, सत्रह तीन बीस, तो घरों की संख्या कितना आ गया बीस। हमसे ये पूछा है कि घर माध्य पौधों की संख्या बताइए, तो समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा यफ यक्ष बटा सिग्मा यफ, यही सूत्र होता है। और यह जो सूत्र है यह है प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि है प्रत्यक्ष विधि, हम इसमें प्रत्यक्ष विधि यूज कर रहे हैं क्योंकि संख्या आसान दिया गया है इसीलिए हम इसमें प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे। तो सिग्मा यफ यक्ष का जो योग हमने निकाला है कितना है एक सौ बासठ है, और सिग्मा यफ माने बारंबारता का जो योग है कितना है बीस है, यहाँ पर हम बीस रख देंगे, दो से हम भाग देंगे इसे, तो दो से काटेंगे दो आठ सोलह, दो एक कम दो, दो दहम्मा बीस, दस से भाग देंगे तो आठ दशमलव एक, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। माने माध्य पौधों की जो संख्या होगी वह आठ दशमलव एक हो जाएगा। प्रश्न नंबर दो हम लोग देखने जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, दैनिक मजदूरी दिया है 100 से 120 ऐसे श्रमिक 12 हैं, 120 से 140 ऐसे श्रमिकों की संख्या 14 दिया है, 114 160 श्रमिकों की संख्या 8 दिया है, 160 180 रुपये जिसमें श्रमिकों की संख्या 6 है, 180 200 के बीच में श्रमिकों की संख्या 10। तो कह रहे हैं एक उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने एक सारणी बनाया, इसका हल निकालेंगे, तो दैनिक मजदूरी जो दिया था उसे हमने लिख लिया, श्रमिकों की संख्या लिख लिया जिसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ जो दैनिक जीवन है ये पद, पद को हम निकाल लेंगे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, 100 और 120 को जोड़ेंगे, 100 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220, 220 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 110 आ जाएगा। यहाँ से 120 और 140 यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 260 आएगा, 260 का आधा करेंगे तो 130 आ जाएगा।
एक चीज देखिए, इसमें एक चीज निकल कर आ रहा है, 100 में हमने 10 जोड़ा 110, 120 में 10 जोड़ा 130। इसका मतलब ये हुआ इनके बीच में संख्या जो है वही हमको प्राप्त करना है। 100 से ज़्यादा हो, 120 से कम, बीच वाली संख्या कौन सी है 110। 120 140 के बीच वाली संख्या कौन सी है 130 है। 140 160 के बीच वाली संख्या कौन सी है 150 है। कितना है 150। 160 180 के बीच में 170 है, और 180 200 के बीच में 190। अब हम क्या करेंगे, यफ हमको पता ही है, यक्स पता ही है, तो हम निकाल लेंगे यफ यक्स, यफ इंटू यक्स, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 12 शून्य शून्य आ जाएगा, और 12 एक कम 12 आ जाएगा, और 12 एक कम 12 एक 13 आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 14 शून्य शून्य आ जाएगा, 14 तिरिक 42, 14 एक कम 14 4 18। यहाँ से इसका गुणा करेंगे 8 शून्य शून्य, 8 पंजे 40, 8 एक कम 8, 8 4 12। यहाँ से इसका गुणा करेंगे 6 शून्य शून्य आ जाएगा, और 6 सते 42, 4 बचा है, 6 एक कम 6 4 10 1020। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1900 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें श्रमिकों की जो संख्या है, श्रमिकों की संख्या कितना है 50 है, तो यहाँ पर हम योग निकाल लेते हैं। योग ये जो बारंबारता है, जो श्रमिकों की संख्या है, इसे हम जोड़ेंगे तो 2 4 2 6 6 और 8 8 6 14 14 6 14 6 20, 2 बचा है, 1 2 2 1 3 3 2 5, कितना आया 50। वैसे भी प्रश्न में भी दिया गया था कि श्रमिकों की जो संख्या है वो 50 है। यहाँ पर हम एफ एक्स का योग करेंगे, 0 0 0 सब है तो हम 0 उतार लेंगे। ये हम निकाल रहे हैं सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना होगा 0 है तो 0 उतारेंगे, 2 2 4 4 2 6 तो 6 उतार लेंगे, ऐसे 3 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 9 9 3 12, 13 और 9 22, 22 माने 2 अभी शेष बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 5 2 7। तो ये जो आया है सिग्मा एफ एक्स का जो योग आया है 7260 आ गया है। हमको निकालना है माध्य, तो हम लोग जो है इसमें यूज कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आई है कितना है 7260 है, 7260 बटा सिग्मा एफ जो बारंबारता श्रमिकों की जो संख्या है कुल कितना है 50 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 50। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 0 से काट देंगे और आ जाएगा 726 बटा 5, 5 से हम भाग दे देंगे, 5 एक कम 5 तो आया कितना 2, 5 चौका 20 तो हो जाएगा 2, 5 पचे 25, 1 5 दूना 10, 145.2 सेंट, 145.2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का जो योग आया है 7260 है तो 7260 रख दिए, सिग्मा एफ का जो मान है 50 है तो यहाँ पर हम 50 रख देंगे, 0 0 से कट जाएगा, 726 बटा 5 आ जाएगा, 5 एक कम 5 काट देंगे, 5 एक कम 5 यहाँ पर 2 बच गया, 22 हो गया, 5 चौका 20 26 हो गया, 5 पच्चीस 25 1 बचा है, दशमलव बढ़ाकर 0 कर देंगे, 5 दूना 10, 145.2 रुपये यही इनकी दैनिक मजदूरी हो गई,
माध्य दैनिक मजदूरी कितना होगा? 145.2 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 3 जो दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जेब भत्ता जो है 11-13 इसका हम क्या निकालेंगे? पद निकाल लेंगे। पद को हम यक से प्रदर्शित करते हैं और जो बच्चों की संख्या है ये यफ से हम प्रदर्शित करते हैं। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 का आधा करेंगे यदि तो ये 12 आ जाएगा। वैसे 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 28 का आधा करेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ से इसे दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 और 15 तो आ जाएगा 32। 17 और 15 कितना आ जाएगा? 32। अब 32 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 16। इसका मतलब एक निकल रहा है निष्कर्ष, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 17 में एक जोड़ दीजिए 18, 19 में एक जोड़िए 20, 21 में एक जोड़िए 22, 23 में एक जोड़ दीजिए 25। इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 23, हाँ एक यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, 23 में एक जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ से अब हम देखेंगे इसका हम गुणा कर देंगे 12 × 7 = 84, क्योंकि यफ यक्स हम बारंबारता और पद का गुणा करा देंगे, 12 × 7 = 84 आ जाएगा। और 6 × 24, इसके साथ साथ 6 × 6 = 8, 14 × 6 = 84। इसका गुणा इसमें करेंगे 9 × 6 = 54 और 9 × 9 = 5 = 14। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 13 × 8 = 104, 10 शेष बचा हुआ है। और 13 × 13 = 10, 13 × 10 = 23। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 यफ। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 × 10 = 10 और 1 = 11। इसका गुणा इसमें करेंगे 4 × 16, 4 × 8 = 96। हम योग निकाल लेंगे इसका। योग सिग्मा यफ का योग, सिग्मा यफ का योग निकालेंगे। तो इसका योग निकालेंगे, 13 में यदि 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 20 × 6 = 26, 26 और 9 26 × 9 = 15 माने 35 हो जाएगा, 35 × 5 = 40, 4 = 44 प्लस इसके साथ साथ यफ, तो कितना आ जाएगा इसमें? 44 प्लस यफ आ जाएगा। अब हम इसे जोड़ लेंगे पूरा संख्या, 6 × 6 = 10, 10 × 4 = 14, 14 × 4 = 18, 18 × 4 = 22 लिख लेंगे, 2 शेष बचा है। यहाँ से 9 × 10 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 4 = 17, 17 × 8 = 25, 25 × 8 = 25, 8 × 35 = 33 और 2 = 35, 3 अभी बचा हुआ है। यहाँ से देखेंगे 1 × 2 = 3, 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 7 प्लस कर लेंगे, 20 यफ कर देंगे। तो यहाँ से जो हमसे पूछा गया है, हम अभी एक ही विधि का यूज कर रहे हैं, वह है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा यफ एक्स बटा सिग्मा यफ। जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य हमको दिया है, कितना दिया है? 18 दिया है। तो यहाँ समांतर माध्य के स्थान पे हम 18 रख देंगे। सिग्मा यफ एक्स, यफ एक्स का जो मान है 752.20 यफ है, 752 प्लस 20 यफ बटा सिग्मा यफ। सिग्मा यफ का मान कितना है?
44 प्लस यफ है, तो यहाँ पर रख देंगे 44 प्लस यफ, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 18 कोष्टक में 44 प्लस यफ बराबर 752 प्लस 20 यफ, इसका गुणा इसमें करेंगे 18 चौका 72, 72 और 7, तो 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f, ये प्लस है इस साइड जाएगा, ये प्लस है इस साइड आएगा, तो 792 प्लस है इस साइड आएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 20f ये भी प्लस है इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 18f, इसे घटा देंगे 0, 9 में से 5 गए 4, 7 में 7 गए 0 हो जाएगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2f, तो यहाँ पर गुणा है इस साइड आएगा ये भाग हो जाएगा, तो 40/2 बराबर f के, तो f बराबर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, f बराबर 20, ये जो लुप्त पद था f, हमसे f का मान भी पूछ रहा था, तो f का मान कितना होगा 20 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।